जी हां, क्रोधित पुतिन जलता यूक्रेन। खार्किव पर फिर बड़ा हमला हुआ है, पुतिन बहुत गुस्से में है। यूक्रेनी शहर खार्किव को एक बार फिर बनाया गया निशाना। रूसी हमले से खार्किव थर्रा उठा है। खार्किव में जगह जगह हमले हुए हैं। सबसे बड़ा हमला खार्किव के अपार्टमेंट पर हुआ। अपार्टमेंट पर हुए हमले की तस्वीर बेहद भयावह है। मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई। तस्वीरें आपके सामने हैं। कई लोग अभी भी बिल्डिंग में फंसे हुए हैं, ये जानकारी है। आखिर पुतिन चाहते क्या हैं? क्या रूस अब आर पार की जंग में उतर चुका है? एक एक खबर आपके सामने होगी। शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ, और बेलगोरोद के अटैक को लेकर जो अहम जानकारी मिल रही है वो ये कि बेलगोरोद में कई जगहों पर ड्रोन अटैक हुआ है। यूक्रेनी हमले में पार्किंग में खड़ी कई कारें उड़ गई। ये देखिए तस्वीरें। बेलगोरोद से ग्लोबल एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। बेलगोरोद वो शहर जिसे एक बार फिर यूक्रेन की तरफ से बड़े पैमाने पर निशाना बनाया गया है। यूक्रेन ने यहां पर बड़ा अटैक अंजाम दिया है। अटैक के फौरन बाद की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि पिछले 24 घंटे में खार्किव में क्या हुआ है। वो खार्किव जिसे पुतिन की सेना लगातार बना रही है निशाना। पुतिन का बदला खार्किव टहला। क्या हुआ है? ताबड़तोड़ अटैक। किसका हमला है? रूसी एयरफोर्स का ताबड़तोड़ हमला लगातार यहां पर जारी है। मिसाइल और ड्रोन के जरिए इन हमलों को दिया गया है अंजाम। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 56 शाहिद ड्रोन से ताजा अटैक को अंजाम दिया गया है। यूक्रेन दावा यह कर रहा है कि 53 लोग यहां पर मार गिराए गए हैं। टारगेट अपार्टमेंट थे। जी हां, रिहायशी अपार्टमेंट्स को इस बार पुतिन की सेना ने बनाया है निशाना, और यही वजह है कि रिहायशी इलाके में जबरदस्त तबाही हुई है। 2 लोगों की मौत हुई है और 63 लोग फिलहाल ताजा हमले में अभी तक की अपडेट के मुताबिक घायल बताए जा रहे हैं। तो खार्किव में यह रूस का बहुत बड़ा हमला था। मिसाइल हमलों से पूरा शहर थर्रा गया। खार्किव में रिहायशी अपार्टमेंट्स पर भी बड़ा हमला हुआ है। हमले से अपार्टमेंट में लगी भीषण आग। ये देखिए खार्किव में किस तरह से उन अपार्टमेंट्स को भी निशाना बनाया गया है जिसमें लोग रह रहे थे। कई जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें अपार्टमेंट्स और ऊंची ऊंची रिहायशी इमारतें धधकती हुई नजर आ रही। और खार्किव में मिसाइल और ड्रोन से ताजा हमलों को अंजाम दिया गया है। दर्जनों ड्रोन से खार्किव में किया गया अटैक। रूसी हमले से खार्किव में देखिए कैसे बड़ी तबाही हुई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तमाम अपार्टमेंट्स के कई फ्लोर्स आग की जद में आ गए। आग की लपटों में घिरे हुए कई अपार्टमेंट्स नजर आए। तो कुल मिलाकर खार्किव में रूसी एयरफोर्स ने कहर बरपा दिया है। रूसी हमले में 60 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ड्रोन अटैक में 2 लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। ये देखिए तस्वीरें। एक अपार्टमेंट के बाहर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए लोग एक बुजुर्ग महिला को किस तरह से अपार्टमेंट से बाहर निकालते हुए नजर आए हैं। ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि अपार्टमेंट पर जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त कई आम नागरिक भी इस अपार्टमेंट में मौजूद थे। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से खार्किव के अपार्टमेंट को जब रूस ने निशाना बनाया तो ये तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें एक बुजुर्ग महिला की जान बचाते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े लोग नजर आ रहे हैं। और खार्किव में कई जगहों पर रूस का हमला हुआ है। ड्रोन और गाइडेड बॉम्ब से बड़े हमलों को अंजाम दिया गया है। रूसी एयरफोर्स के हमले में कुल मिलाकर खार्किव में बड़ी तबाही मची है। ये तस्वीरें इसकी तस्दीक कर रही हैं। इससे पहले भी खार्किव को निशाना बनाया जा चुका है, लेकिन बीते कई दिनों या आप कह लीजिए महीनों से खार्किव को निशाना नहीं बनाया गया था, लेकिन अब बड़े पैमाने पर खार्किव में हमले हुए।
और खार्किव से विनाश की ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये रूस का राउंड टू कहा जा रहा है। खार्किव में रूस ने बड़ा हमला किया है और सीरियल अटैक से खार्किव दहल उठा है। मिसाइल और ड्रोन से ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम दिया गया है, यहां तक कि गाइडेड बॉम्ब का भी इस्तेमाल किया गया हमलों को अंजाम देने के लिए। अलग अलग जगहों पर अटैक किए गए, रिहायशी इलाके भी इस बार पुतिन की सेना के निशाने पर रहे। कई अपार्टमेंट में बड़ी तबाही मची है, अपार्टमेंट पर मिसाइल से अटैक हुआ है। 1 सितंबर को भी यहां पर बड़ा हमला हुआ था। और वहीं एक अहम खबर आ रही है, कुर्स्क में रूसी सेना का पलटवार हुआ है, यूक्रेनी सेना पर रूस ने किया है हमला। कुर्स्क में रूसी सेना ने जबरदस्त पलटवार किया है, यूक्रेन की सेना पर रूस ने बड़ा हमला बोला है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, कुर्स्क से किस तरह से वो तमाम ठिकाने जहां पर यूक्रेनी सेना की मौजूदगी थी उन्हें उड़ा दिया गया। तो कुल मिलाकर कुर्स्क में यूक्रेन के पास अब 2 विकल्प हैं। यूक्रेन या तो कुर्स्क में सरेंडर करे या फिर रूसी सेना के खिलाफ अभियान को और तेज कर दिया जाए। कुर्स्क में 30 से ज्यादा गांवों को गंवाने के बाद जेलेंस्की ने युद्ध की नई रणनीति बनाई। यूक्रेन के सैनिकों को वापस बुलाने की जगह कुर्स्क के ही दूसरी दिशा में उन्हें भेजा गया है। अब यूक्रेनी सेना रूस को अलग दिशा और अलग इलाके में जाकर मात दे रही है। जेलेंस्की ने उन जगहों की पहचान की है जहां रूसी सेना की मौजूदगी कम है और डिफेंस लाइन कमजोर है। लगातार हार के बाद यूक्रेनी सेना कुर्स्क में संभलने की कोशिश कर रही। तीन हजार से अधिक सैनिकों को गंवाने के बाद यूक्रेनी फौज बेहद खूंखार हो चुकी है। और अब रूसी फौज से खून का हिसाब खून से लेने की तैयारी। नाटो से दिशा निर्देश मिलने के बाद यूक्रेनी फौज अब नए इलाके में रूस को चोट पहुंचाने के लिए आगे बढ़ रही। कुर्स्क के क्लूशकोवो में यूक्रेनी सेना का काफला पहुंच चुका है। क्लूशकोवो में रूसी सेना की डिफेंस लाइन बेहद कमजोर है। यूक्रेनी फौज यहां करीब 10 गांवों पर कब्जा जमा चुकी है। क्लूशकोवो का वीडियो जारी करके कुर्स्क की जंग में रूसी इलाके पर कब्जे का दावा किया है। इस इलाके में रूसी सेना की जली हुई गाड़ियां नजर आती। सईम नदी का वो पुल भी दिख रहा है जिसे यूक्रेनी सेना ने ध्वस्त कर दिया था। यूक्रेन का दावा है कि रूसी सैनिक खुद अपने वाहनों को जला रहे हैं। रूसी सैनिक अपने ही इलाकों को लूट रहे हैं। यूक्रेनी सेना इस इलाके में कब्जा करती हुई आगे बढ़ रही। कुर्स्क के ज्यादातर इलाकों में रूसी सेना यूक्रेनी फौज पर हावी। रूसी वायुसेना यूक्रेनी ठिकानों को तबाह कर रही है। फॉब 500 और ग्लाइड बम से लगातार हमले हो रहे हैं। कुर्स्क की जंग पर नाटो देशों की नजर है। अमेरिकी सैटेलाइट से कुर्स्क पर नजर रखी जा रही है। पेंटागन से जेलेंस्की को लगातार दिशा निर्देश मिल रहा है। कुर्स्क में यूक्रेन की सेना की मदद के लिए कीव से पेंटागन तक लगातार रणनीति बन रही। रूसी सेना को रोकने और चकमा देने के लिए यूक्रेन की कुछ खास बटालियन को तैयार किया गया है। पिछले हफ्ते सोमवार से यूक्रेन ने नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया था। यूक्रेन के सीक्रेट पॉइंट पर सैनिकों को जमा किया गया। कुर्स्क की सीमा के करीब टैंक और आर्टिलरी की तैनाती की गई। पश्चिमी कुर्स्क की सीमा पर गुरुवार को अचानक यूक्रेनी टैंक से हमला किया गया। यूक्रेनी
यूक्रेन के कई ड्रोन इस इलाके में लॉन्च किए गए और उसके बाद फाइनल ऑपरेशन की शुरुआत की गई। यूक्रेन की गोलाबारी से रूसी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। यूक्रेनी ड्रोन से पश्चिमी कुर्स्क की सीमा की रेखी की गई, फिर कुर्स्क की सीमा में यूक्रेनी सेना का ऑपरेशन शुरू हुआ। गुरुवार को यूक्रेनी सेना को बड़ी कामयाबी मिली। यूक्रेन से यूक्रेनी सेना के जवान कुर्स्क के पश्चिमी हिस्से में दाखिल होने लगे। रूस की तमाम तैयारियां धरी की धरी रह गई और यूक्रेनी सेना की गाड़ियां कुर्स्क में दाखिल हो गई। आपको इस ऑपरेशन की पूरी डिटेल दिखाते हैं। और वहीं इस वक्त एक अहम खबर आ रही है जर्मनी से। जर्मनी के कोलोन में बड़ा विस्फोट हुआ है। नाइट क्लब के बाहर हुए धमाके में एक शख्स जख्मी हो गया। सुबह 5:50 पर यह ब्लास्ट हुआ है। पुलिस ने, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, पूरा इलाका सील कर दिया है। नाइट क्लब के बाहर ये जोरदार धमाका हुआ जर्मनी के कोलोन शहर में। सुबह 5:50 पर यह धमाका हुआ है। जर्मनी का कोलोन शहर सुबह सुबह दहल गया। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। जांच एजेंसियां पता लगाने में जुटी हैं कि आखिर इस धमाके के पीछे वजह क्या थी, लेकिन सुबह सुबह यह शहर दहल गया। 5:50 पर एक नाइट क्लब के बाहर ये जबरदस्त धमाका हुआ जिसमें एक शख्स जख्मी हो गया है। तो जर्मनी में नाइट क्लब के बाहर यह जबरदस्त धमाका हुआ है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने की कोशिश में हैं कि आखिर इस धमाके के पीछे साजिश किसकी थी। पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। फॉरेंसिक टीम तमाम सबूत जुटाने में इस वक्त जुटी हुई है। जर्मनी का यह कोलोन शहर है जहां एक नाइट क्लब के बाहर जोरदार विस्फोट हुआ और उस वक्त घड़ी में बजे थे सुबह 5:50 उस वक्त हो रहे थे। और यही वजह है कि राहत भरी बात यह रही कि ज्यादा लोग इस धमाके में जख्मी नहीं हुए हैं। किसी की मौत की खबर सामने नहीं आई है। पता यह चला है कि धमाके में एक शख्स जख्मी हुआ है। मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त ऑनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या जानकारी मिल रही है? जर्मनी में नाइट क्लब के बाहर कोलोन शहर में यह जबरदस्त धमाका हुआ है, कहां तक पहुंची है जांच, क्या पता चल पाया है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो पुलिस के अधिकारी हैं उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया कि इसमें कौन इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन नाइट क्लब के पास ये घटना घटी है और इसमें एक व्यक्ति जख्मी हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार फिर जर्मनी में इस तरह के इंसिडेंट होने के बाद इस बात को लेकर बहस शुरू हो सकती है कि अगर ये इमिग्रेंट वर्सेस नॉन इमिग्रेंट का मुद्दा होता है तो निश्चित तौर पर इसके सबसे पहले निशाने पर, एक ऐसे वक्त में जब जर्मनी में खुद ही इमिग्रेंट के खिलाफ एक माहौल जो है वो हार्डलाइन होता जा रहा है, उस वक्त ये घटना घटी है। और इस वक्त पुलिस का एक मेजर ऑपरेशन उस इलाके में चल रहा है जिसमें की कोशिश की जा रही है कि जो भी सस्पेक्टेड लोग हैं अगर उस आसपास के इलाके में, उनको भी, उनके लिए भी धरपकड़ की जाए। लेकिन इस वक्त जो खबर आ रही है, जिस तरह से नाइट क्लब के पास ये इंसिडेंट हुआ है, और पुलिस ने आम लोगों से भी ये अपील की है कि अभी फिलहाल वो उस एरिया में जहां पर की पुलिस ये छापेमारी कर रही है, धरपकड़ कर रही है, उन इलाकों को अभी अवॉइड करें, उस एरिया में अभी कोई भी आम आदमी ना जाए, इसकी स्थानीय पुलिस ने अपील भी की है। शुक्रिया मनीषा आपका इस जानकारी के लिए। जर्मनी के एक शहर को दहलाने की कोशिश, जर्मनी का कोलोन शहर सुबह सुबह दहल गया एक धमाके से। अब इस धमाके के पीछे कौन लोग शामिल हैं ये पता लगाने की कोशिश जांच एजेंसियां इस वक्त कर रही हैं। एक बार फिर वापस लौटते हैं युद्ध की खबरों की तरफ। खार्किव में विध्वंसक अटैक की कई अहम तस्वीरें इस वक्त TV9 भारतवर्ष आपको दिखाने जा रहा है। ये देखिए रूस के हमलों से खार्किव शहर का क्या हाल हो गया है। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो ऊंची ऊंची रिहायशी इमारतें थीं उनको इस बार रूसी फौज ने बनाया है निशाना। और वहीं रूस ने अमेरिका के दुश्मन ईरान को परमाणु संपन्न बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। दावा है कि कजान में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में पुतिन ईरानी राष्ट्रपति के साथ न्यूक्लियर डील पर साइन कर सकते हैं। दरअसल जेलेंस्की यूरोप से लॉन्ग रेंज हथियारों की मांग पर अड़े हैं।
पुतिन को डर है कि अमेरिका किसी भी वक्त यूक्रेन को हमले की छूट दे सकता है। ऐसे में पुतिन ईरान को परमाणु शक्तियां देकर अमेरिका को घेरना चाहते हैं, लेकिन पुतिन की इस नीति ने दुनिया को परमाणु विनाश के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। जिस मीटिंग का इंतजार यूक्रेनी राष्ट्रपति को था वो 24 घंटे पहले खत्म हो चुकी। वॉशिंगटन में बाइडेन और स्टार्मर की मुलाकात हुई। मुलाकात का एक बड़ा एजेंडा यूक्रेन था। ज़ेलेंस्की को उम्मीद थी कि इस मीटिंग में उन्हें लॉन्ग रेंज हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। Did you persuade the American president to allow President Zelensky to fire missiles into Russian territory? Well, we've had a long and productive discussion on a number of fronts, including Ukraine, as you'd expect, the Middle East, the Indo-Pacific, talking strategically about tactical decisions. This isn't about a particular decision, and we'll obviously... ब्रिटेन के राष्ट्रपति की माने तो चर्चा यूक्रेन पर जरूर हुई, लेकिन लॉन्ग रेंज मिसाइलों को लेकर कोई बात नहीं हुई। सवाल है कि अमेरिका और ब्रिटेन लॉन्ग रेंज हथियारों के इस्तेमाल को लेकर चुप क्यों हैं? दरअसल इसकी वजह है कि दुनिया में होने वाले महाविनाश का डर। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियारों की इजाजत का मतलब महाजंग की शुरुआत होगी। ब्रिटेन अमेरिका को डर है कि रूस नाटो देशों के खिलाफ युद्ध छेड़ देगा। डर है कि रूस यूक्रेन पर परमाणु हमला भी कर सकता है। इस डर की वजह रूस की वो धमकी है जो उसने संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से दी। संयुक्त राष्ट्र में रूसी प्रतिनिधि ने अपने बयान में साफ और सीधे शब्दों में कह दिया कि अगर यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियारों की इजाजत मिली तो युद्ध नाटो और रूस के बीच होगा। नियोनाज़िस्की रेजिम давно бьёт по нашей территории, за пределами зоны боевых действий устраивает теракты в отношении мирного населения, гражданской инфраструктуры нашей страны. ओलेक्सेविच नेबेंजिया ने संयुक्त राष्ट्र में बैठकर नाटो पर हमले की चेतावनी दी, तो राष्ट्रपति पुतिन के बेहद करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने अपनी एक रिपोर्ट में कह दिया कि रूस का सब्र टूटने का अंजाम परमाणु तबाही हो। रूस दुश्मन के हमलों के जवाब में परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं करता है। हम इस तरह के हमलों से पैदा होने वाले खतरे को जानते हैं। फिलहाल मॉस्को धैर्य दिखा रहा है, लेकिन ये खत्म हो सकता है। उम्मीद है पश्चिमी देश समझते हैं कि रूस क्या कर सकता है। रूस की तरफ से ये धमकियां ऐसे वक्त में आ रही हैं जब कई नाटो देशों की तरफ से अमेरिका पर यूक्रेन को रूस के कई किलोमीटर अंदर हमलों की इजाजत देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। बीते हफ्ते जर्मनी और पोलैंड की तरफ से इस तरह के बयान सामने आए थे। अब ब्रिटेन में भी रूस पर लॉन्ग रेंज हमलों की इजाजत देने की मांग उठ रही है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन यूक्रेन की मांग से सहमत। इसके अलावा ब्रिटेन के 5 पूर्व रक्षा मंत्री भी यूक्रेन के साथ। उन्होंने स्टार्मर से स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमले की इजाजत देने की मांग की। फिलहाल कीर स्टार्मर और बाइडेन इन सभी मांगों को लेकर चुप हैं, लेकिन रूस को शक है कि वॉशिंगटन की तरफ से किसी भी वक्त यूक्रेन की मांगों पर मोहर लग सकती है।
ऐसे में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ईरान के साथ मिलकर अपने गठजोड़ को और मजबूत कर रहे हैं। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान रूस जाने वाले हैं। वो रूस के कजान में होने वाले ब्रिक्स समिट में शामिल होंगे। इस दौरान पुतिन पेजिश्कियान की द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। बातचीत के दौरान रूस ईरान के बीच न्यूक्लियर डील पर बात बन सकती है। माना जा रहा है कि रूस ईरान को बैलिस्टिक मिसाइलों के बदले परमाणु टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकता है, जिससे ईरान वक्त से पहले परमाणु संपन्न देश बन जाए। पश्चिम में पैदा होने वाले खतरों को देखते हुए रूस के लिए ईरान का परमाणु संपन्न होना फायदे का सौदा होगा। इसके बदले जहां उसे बैलिस्टिक मिसाइलें मिलेंगी, वहीं अमेरिका पर जंग से दूर हटने का दबाव बढ़ेगा। ईरान रूस गठजोड़ से यूरोप की टेंशन भी बढ़ गई। G7 देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में भी ये मुद्दा उठा। G7 देशों ने संयुक्त बयान जारी कर कहा, ईरान रूस को युद्ध में मदद कर रहा है, उसे तुरंत रूस का समर्थन बंद करना चाहिए। ईरान मिसाइल और ड्रोन भेजना बंद करे। ईरान का ये कदम दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरा है। साफ है रूस यूक्रेन की जंग अब महाविनाश की तरफ बढ़ रही है। इस चिंगारी में मिडिल ईस्ट के देश भी आहुति देने के लिए तैयार। ऐसे में अगर अमेरिका ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियारों की इजाजत दी तो परमाणु युद्ध होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। जी हां, खार्किव में ताजा हमलों के बाद ज़ेलेंस्की देखिए क्या डिमांड कर रहे हैं, क्या मांग उनकी तरफ से की गई है। उन्होंने बताया कि खार्किव में निर्दोष बेकसूर लोगों पर रूस ने हमला किया, रूस ने रिहायशी इलाके को टारगेट किया, इसे निशाना बनाया गया। ये ज़ेलेंस्की कह रहे हैं, यूक्रेन पर रोजाना 100 से ज्यादा हमले कर रहा है रूस, ये उन्होंने बताया है। और कहा है कि लॉन्ग रेंज हथियार के इस्तेमाल की अब उन्हें इजाजत मिल जानी चाहिए। वो इजाजत मांग रहे हैं पश्चिमी देशों से, पश्चिमी देश यूक्रेन को इजाजत दें कि यूक्रेन लॉन्ग रेंज हथियारों का इस्तेमाल रूस के खिलाफ जंग में करे, यूक्रेन की रक्षा के लिए ये जरूरी है। ये कहा है प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने, यानी रूस जिस तरह से उनके शहरों को निशाना बना रहा है उसके बाद लॉन्ग रेंज वेपन के इस्तेमाल की इजाजत चाह रहे हैं ज़ेलेंस्की। कह रहे हैं कि रूस पर और प्रतिबंध लगा दिए जाने चाहिए। रूस पर वैसे ही तमाम सैंक्शंस लग चुके हैं और ज़ेलेंस्की ये डिमांड कर रहे हैं कि इसमें और इजाफा किया जाए। यूक्रेन के हमलों से रूस में बारूदी बवंडर आ चुका है। 5 से ज्यादा इलाकों में ड्रोन वर्षा से रूस दहल गया, जबकि यूक्रेन ने धमकी दी है ये सिर्फ विध्वंस का ट्रेलर है, बर्बादी की पूरी पिक्चर बाकी है। ज़ेलेंस्की के इस जोश के पीछे की बड़ी वजह है कि यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार रूस में इस्तेमाल करने की मंजूरी गुप्त रूप से मिल चुकी है। इस बीच क्रेमलिन ने नेटो देशों पर हमले के लिए एक गठबंधन तैयार किया है जिसमें रूस के अलावा चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान भी है। उनसे मिले हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन में किया जा रहा है जिससे हथियारों की मारक क्षमता का टेस्ट किया जा सके। चालीस घंटे पहले तक रूस यूक्रेन को दहला रहा था। लेकिन जब यूक्रेन ने पलटवार किया तो रूस धधकने लगा। रूस से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें दिख रहा है तबाही का दायरा कितना बढ़ गया है। रूस के वेर्दोविस्क इलाके के निजिनी तागिल में पड़ने वाली गैस पाइपलाइन पर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया जिससे गैस पाइपलाइन में आग लग गई। ये उसी हमले की तस्वीरें हैं
कई घंटे तक आग की लपटें उठती रही। काफी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। दरअसल यूक्रेन ने 24 घंटे पहले कीव पर हुए हमले का बदला लिया है। एक दिन पहले रूस ने कीव पर 76 ड्रोन दागे थे, जिसके बाद यूक्रेन ने आधी रात में रूस को दहलाया। क्रेमलिन को शक है कि यूक्रेन ने F-16 से हमले किए हैं, जबकि यूक्रेन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। पिछले कुछ वक्त में यूक्रेन की हिमाकत लगातार बढ़ी, क्योंकि ज़ेलेंस्की को अंदाजा हो चुका है कि यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार मिल सकते हैं। वैसे भी कई नाटो देश लंबी दूरी के हथियार देने के पक्ष में हैं। उधर अगले हफ्ते ज़ेलेंस्की अमेरिकी दौरे पर जा रहे हैं, जहां इस फैसले पर अंतिम मोहर लगेगी। फैसला यूक्रेन के पक्ष में होगा, इसे लेकर ज़ेलेंस्की आश्वस्त लगते हैं, और यह उसी का असर है कि रूस पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। मॉस्को रीजन, सेंट पीटर्सबर्ग, कुर्स्क, बेलगोरोद और वोरोनिश में हमले किए गए। इसके अलावा यूक्रेन में रूस के कब्जे वाले इलाके को भी दहलाया गया, जिसमें सबसे ज्यादा तबाही लुहांस्क में मचाई। इन तस्वीरों से लुहांस्क में बर्बादी का अंदाजा लगाया जा सकता है, जिसमें सूमी, लुहांस्क, डोनेस्क, जेपोरिजिया और खेरसोन पर यूक्रेन ने रूसी मिलिट्री पोस्ट पर ड्रोन दागे। लेकिन सबसे ज्यादा तबाही रूस के शहरों में मचाई, खासतौर से बॉर्डर के पास वाले इलाके टारगेट पर थे। बेलगोरोद में हथियार गोदाम खाक कर दिया। यह आग की लपटें उसी हथियार गोदाम से निकल रही हैं, जहां कुछ घंटे पहले यूक्रेन ने हमला किया था। कुर्स्क में यूक्रेनी सैनिक लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इस दौरान रूसी सैनिकों की मिलिट्री पोस्ट को उड़ा रहे हैं। कुछ घंटे पहले हमले में रूस के सैन्य ठिकाने को विस्फोट से उड़ा दिया। इस दौरान कई रूसी सैनिकों के मारे जाने की भी खबर है। तबाही का दायरा यही नहीं रुका है। अब यूक्रेन एनर्जी सेक्टर के अलावा उन ठिकानों को तबाह कर रहा है जहां रूस ने हथियार रखे हैं, या फिर जहां हथियारों का प्रोडक्शन हो रहा है। सोचिए, यूक्रेन अभी इतना हमलावर है, जब उसके पास लंबी दूरी के हथियार आ जाएंगे तो तबाही कितनी भयानक हो सकती है। और देखिए, अहम खबर है, नाटो देशों पर अंडर सी अटैक की हो रही है तैयारी। इंटरनेट केबल को निशाना बना सकता है रूस। नाटो देशों के इंटरनेट सप्लाई को ठप करने की प्लानिंग हुई है। जीपीएस सिस्टम को तबाह किया जा सकता है रूस के द्वारा, ये रिपोर्ट में कहा गया है। नाटो इंटेलिजेंस अधिकारियों के हवाले से पश्चिमी मीडिया का ये बड़ा दावा सामने आया है। तो ये चौंका देने वाला प्लान आखिर है कि आपको बताते हैं, रूस का अंडर सी अटैक प्लान। समंदर में बिछे इंटरनेट केबल पर हमला कर सकता है रूस। नाटो देशों के इंटरनेट सप्लाई को इसके जरिए ठप किया जा सकता है, इसकी तैयारी है। ग्लोबल कम्युनिकेशन का 95% 95% अंडर सी केबल पर निर्भर है। हर दिन $10 trillion का वित्तीय लेन देन होता है इन्हीं के जरिए। ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका जैसे देश अंडर सी केबल पर निर्भर हैं, और अब इन पर हमले की जा रही है तैयारी। और रूस की नौसेना समंदर में अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास भी कर रही है। 12 समुद्री क्षेत्रों में अमेरिका और नाटो के खिलाफ खतरनाक नेवल ड्रिल की जा रही है। रूस के 400 युद्धपोत और 125 एयरक्राफ्ट समंदर में सुपर पावर अमेरिका के खिलाफ गर्जना कर रहे हैं। इसके अलावा 7 समंदर में रूस ने बहुत बड़ी तैनाती कर दी है। रूस को चीन और उत्तर कोरिया मिसाइलों की सप्लाई कर रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर पुतिन की सेना ये युद्धाभ्यास, ये तैनाती, मिसाइलों का आयात आखिर कर क्यों रही है।
रूसी सेना समुद्र में महामंथन कर रही है। समंदर में मिसाइल फायर की जा रही है। तोप और गन से लाइव फायरिंग हो रही है। समंदर के ऊपर रूसी बॉम्बर विध्वंसक गर्जना कर रहे हैं। समंदर के ऊपर और समंदर के अंदर भी हमले का अभ्यास हो रहा है। धरती से जहाजों पर होने वाले हमलों को इंटरसेप्ट करने की प्रैक्टिस की जा रही है। रूसी सेना एक साथ समुद्र में 12 जगहों पर अब तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास कर रही है। इस नेवल ड्रिल का नाम है ओशन 2024। यह अमेरिका और नाटो के खिलाफ रूस की सबसे बड़ी नेवी ड्रिल है। यह नाटो के अस्तित्व को खत्म करने का अभ्यास माना जा रहा है। यह युद्ध नहीं, लेकिन युद्ध से कम भी नहीं। रूस 30 साल बाद इतना बड़ा युद्ध अभ्यास कर रहा है और मॉक टारगेट को तबाह किया जा रहा है। पुतिन ने समंदर में विध्वंसक गर्जना कर नाटो के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी चेतावनी जारी कर दी।